Hello students, welcome to my YouTube channel Geography Group. Today we are here to discuss about class 10th English worksheet number 25. Today's worksheet is very easy and very interesting one also. We are going to learn something about the figures of speech. आपने हिंदी में अलंकार किए होंगे, तो ऐसे ही इंग्लिश में भी अलंकार होते हैं जिन्हें हम figures of speech बोलते हैं, तो कुछ उनके बारे में हम जानने वाले हैं. Let's begin. As it is visible on your screen, this is the worksheet number 25. Subject English and date 1st of September 2020. Here, a tiger in the zoo has been given and we have studied about the tiger in the zoo in the previous worksheet. उसमें हमने इनके बारे में पढ़ा था, इसी पॉइंट के बारे में, तो मैं यहाँ पर उसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ. हम यहाँ पे सिर्फ फिगर ऑफ स्पीच जो दिए गए हैं, पोएटिक डिवाइसेज जिनको बोलते हैं, उनको समझने की कोशिश करेंगे. लास्ट वीक वी आंसर्ड सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द पोएम. हियर वी विल लर्न अबाउट सम पोएटिक डिवाइसेस हैं, उनके बारे में सीखने वाले हैं. पहला दिया गया पर्सोनिफिकेशन, हिंदी में इसको मानवीकरण अलंकार बोलते हैं. पर्सोनिफिकेशन मीन्स गिविंग ह्यूमन करैक्टर टू समथिंग दैट इज नॉट ह्यूमन, कि किसी के ऊपर ऐसे शो करना कि जैसे वो ह्यूमन बींग्स है. जैसे आपने हिंदी में कविता में पढ़ा होगा कि बादल मुस्कुरा रहे थे, घटा गा रही थी, सो दैट इज द पर्सोनिफिकेशन. ओके, सो पर्सोनिफिकेशन मीन्स गिविंग ह्यूमन करैक्टर टू समथिंग दैट इज नॉट ह्यूमन, कि उसका ऐसे दिखाना जैसे कि वो भी इंसान है, उसे हम पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं. सेकेंड वन इज द रिपीटिशन. रिपीटिशन पोएटिक डिवाइसेज है. पोइट यूजेस रिपीटिंग वर्ड्स टू शो इम्पोर्टेंस ऑफ समथिंग. इसमें हम पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हिंदी में बोलते हैं, कि एक ही शब्द का बार बार उपयोग करना किसी भी वस्तु की इंपॉर्टेंस को दिखाने के लिए, दैट इज नॉन एज ए रिपीटिशन. थर्ड वन इज द इमेजरी. इमेजरी में पोइट यूज वर्ड्स विच क्रिएट ए पिक्चर इन योर माइंड, कि जिसमें हमारे माइंड में एक पिक्चर क्रिएट करने की कोशिश की जाती है, तो वो इमेजरी यहाँ पर पोइटिक डिवाइस होता है. नेक्स्ट वन इज द राइम स्कीम. राइम स्कीम, पोइट यूज वर्ड्स विद सेम साउंड्स टू गिव ए म्यूजिकल अफेक्ट टू ए पोएम. राइम स्कीम्स होती है, जैसे आपने नर्सरी में आपने राइम्स की होगी, तो उनके लास्ट वर्ड्स हैं वो एक दूसरे से मैच करते हैं. यहाँ पे एक एग्जांपल दिया जिसके थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे. नेक्स्ट वन इज द एलिट्रेशंस. एलिट्रेशंस क्या होता है? अनुप्रास अलंकार आपके हिंदी में होता है, जैसे चारू चंद्र की चंचल किरणें, चे चे आता है, तो वो क्या है? अनुप्रास अलंकार है. सेम इज देयर इन इंग्लिश. एलिट्रेशन रिपीटेशन ऑफ नेबरिंग वर्ड्स और साउंड्स. एग्जाम्पल क्रैम्प्ड सर्कल्स, यहाँ पे सी इज रिपीटेड, तो यहाँ पे क्या एलिट्रेशन है. नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग लाइन्स चूज द पोएटिक डिवाइस डिवाइसेस यूज्ड बाय द पोएट. यहाँ पे हमें आज की जो एक्सरसाइज दी गई है, 4 एग्जाम्पल्स दिए गए, हमें पोएटिक डिवाइस या डिवाइसेस को चूज करना है. तो यहाँ पे ही स्टॉक्स इन हिज विविड टाइप्स, तो यहाँ पे आंसर दिए गए. यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन और इमेजरी दोनों ही यहाँ पर यूज किए गए. पर्सोनिफिकेशन क्यों है? यहाँ पर टाइगर के लिए ही यूज किया गया. एंड स्टॉकिंग हिज विविड टाइप्स, तो यहाँ पर ऐसे इमेजिन किए गए, एक पिक्चर को क्रिएट करने की कोशिश की गई है कि कैसे वो चलता है, मूव करता है. तो यहाँ पे दो हैं, कौन से? पर्सोनिफिकेशन एंड इमेजरी. सेकेंड है ऑन द पेड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन क्वाइट ट्रीज. यहाँ पे थ्री, यहाँ पे हमारे थ्री फिगर्स ऑफ स्पीच यूज किए गए, पोएटिक डिवाइसेज यूज किए गए. मेटाफोर है. मेटाफोर क्या होता है? जब तुलना की जाती है, तो वेलवेट से कंपेरिजन किया गया है टाइगर के पॉज का. सेकेंड वन इमेजरी है, चित्र को क्रिएट करने की कोशिश की गई, पिक्चर को. थर्ड वन है ऑक्सीमोरॉन है. ऑक्सीमोरॉन क्या होता है? जब दो ऑपोजिट चीजें एक साथ यूज किए गए. यहाँ पे एक साइड यहाँ पे क्वाइट भी है और यहाँ पे रेज भी है, गुस्सा भी है और शांति भी है, तो यहाँ पे ऑक्सीमोरॉन भी है. तो आप तीनों ही मेंशन कर सकते हो. थर्ड वन, बट ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल. यहाँ पे सी रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे एलिट्रेशन है होगा. फोर्थ दिया गया ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्टाइप्स. द फ्यू स्टेप्स टू हिज केज ऑन पेड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज. यहाँ पे हमें राइमिंग स्कीम है वो पहचाननी है. यहाँ पे देखिए कि स्ट्राइप्स ए हो गया, ये बी हो गया, उसके बाद क्या ए से मैच नहीं करा, तो ये सी हो गई लाइन, और यहाँ पे फिर ये बी से मैच करा, तो यहाँ पे राइमिंग जो स्कीम दी गई वो ए बी सी बी दी गई है. सेकेंड है वो आंसर होगा. तो
तो ये आपके सभी जो आंसर्स हैं वो यहाँ पर रिटन में भी अवेलेबल हैं इस वर्कशीट में. बस इतना ही. थैंक यू. बाय बाय. हैव ए नाइस डे.